आई नो कि फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल और अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल ने आपको कंफ्यूज कर दिया है कि कौन सा स्मार्टफोन इस वक्त लिया जाए, किस पे अच्छी डील चली है, कौन सा आपको निगलेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ा यू नो नैरो डाउन करने की कोशिश करूंगा मैं कि कौन से आपको स्मार्टफोन इस सेल में कंसिडर करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी डील्स चली हुई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 10% डिस्काउंट है अप टू 1750 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 17500 का कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो आपको 1750 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। अगर आप 20,000 का खरीदोगे तब भी 1750 तक ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके 10% का मतलब ये हुआ। और एक्स्ट्रा 10% का मतलब क्या हुआ कि अप टू 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ। तो अगर आप किसी और चीज़ से भी पेमेंट कर रहे हो, किसी और कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हो, फिर भी आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। बट शर्त ये है कि मतलब किसी सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स में, ऐसा नहीं कि सब में। तो दैट आउट ऑफ द वे, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये Redmi Note 7S 3GB 8GB का मिल रहा है जिसमें 10% ऑफ होगा प्रीपेड के साथ। इसमें प्रीपेड ट्रांजेक्शन पे 1000 रुपये का डिस्काउंट है। Realme 5 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो Redmi 8 और Redmi Note 7S में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि Redmi 8 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। बट मैं बता दूं कि Redmi Note 7S इज़ मच बेटर देन Redmi 8। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं Redmi Note 7S लूँगा rather than Redmi 8। क्यों? काफ़ी सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न तो इसका प्रोसेसर ही है। उसके बाद Realme X3 को तो मैं थम्स अप देता हूँ क्योंकि इसमें मतलब जो 15-16 हज़ार के फ़ोन में चाहिए ना वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर भी चेकआउट कर सकते हो आप। इन्फिनिक्स हॉट 8 ये मैं कंसिडर करूँगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा टाइट बजट है जिनका, सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करूँगा। नहीं तो इसके अलावा काफ़ी सारे 2-3 हज़ार पे डाल के आप काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन खरीद सकते हो। और ऐसे पहले बता दिया मैंने, नोट एस हो गया आपका, रियलमी 5 हो गया। रियलमी 5 प्रो हालांकि पुराना फ़ोन है लेकिन अभी भी दमदार है ये, और एक्स्ट्रा 1000 ऑफ मिलेगा 13000 के ऊपर, मतलब ये अराउंड 11000 रुपये के करीब पड़ेगा जो काफ़ी अच्छा प्राइस है इसका। रेडमी 7 ए आई वुड रिकमेंड कि रेडमी 7 ए अभी मतलब प्लीज़ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। Samsung A50 डेफिनेटली थम्स अप फॉर 15,000 rupees के मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। Vivo Z1 X आई डोंट रिकमेंड इट। iPhone 7 Plus नहीं, डेफिनेटली नहीं। मतलब यार बहुत पुराने फ़ोन्स हो गए और इतनी मोटे मोटे पैसे। अगर मिनिमम से मिनिमम iPhone भी लेना है ना तो आप iPhone 10 ले लो, वो अराउंड 40 का मिल जाएगा इस वक्त। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके, iPhone 7 तो बिल्कुल ही लेना। Oppo F11 Pro किस कैटेगरी में डालूँ? ये ले सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है। मतलब अगर आपको पॉपअप कैमरा चाहिए 15000 के बजट में, 15 भी नहीं बल्कि 13 समथिंग हज़ार रुपये का मिल जाएगा इस सेल में, तो हाँ कंसिडर कर सकते हो। Nokia 6.1 Plus डेफिनेटली यू कैन बाय एट, मेरी तरफ से थम्स अप है, मेरी तरफ से इसके लिए हाँ है। F11 अभी मतलब Redmi Note 7 Pro इसकी जगह ले सकते हो आप। Samsung S9 डेफिनेटली ले सकते हो 30000 के बजट में यार। S9 बस चुम्मेश्वरी प्रोडक्ट। K1 कंसिडर कर सकते हो, नहीं K1 Redmi K20 डेफिनेटली अब पैक यार 20000 रुपये। Moto E6S नो, Realme 3i नहीं, Infinix Smart 3 Plus ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम बजट है ना, सिर्फ वो कंसिडर करो। और ये देख लेना कि आपके घर के नज़दीक कहीं पर सर्विस सेंटर है, आपकी सिटी में इसका सर्विस सेंटर है Infinix का, तभी इसको लेना, वरना Honor 10 Lite डेफिनेटली 10000 के लिए बहुत अच्छा है यार। 6GB 64GB Poco F1 डेफिनेटली 15000 रुपये के लिए यार, डेफिनेटली 6GB 128 मिल रहा है आपको 14000 समथिंग का मिल जाएगा ये आपको इस सेल में। लुक्स के मामले में इतना ज़्यादा सही नहीं है बट यार प्रोसेसर 845 है तो स्टिल
पुराना प्रोडक्ट है, एक साल एक डेढ़ साल पुराना प्रोडक्ट है, बट स्टिल स्टिल इसकी वैल्यू है. वीवो V15, नोकिया 5.1 प्लस पिक, यूएस ना, माइक्रोमैक्स के कोई फोन मत लो यार. यार अभी के लिए रेडमी नोट 5 प्रो के कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो नहीं इसको भी निगलेक्ट करो इस वक्त. आईपैड 7th जनरेशन 30,000 रुपए का, ओके तो 22,000 मतलब 20,000 के करीब आपको आईपैड 6th जनरेशन मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है. कोई मुझे लैग्स देखने को नहीं मिले इसमें और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. ओवरऑल अगर आपने एक टैबलेट लेना है ना तो इसको कंसिडर करो इस वक्त, क्योंकि ये काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए. 20,000 रुपए में आपको आईपैड 6th जनरेशन मिल जाएगा. 7th जनरेशन मत जाओ अभी, प्राइस थोड़े से गिरने दो उसके. ऑनर मीडिया पैड, अगर आप एंड्रॉइड टैबलेट की तरफ जाना चाहते हो तो ऑनर का मैं सजेस्ट करता हूँ. ये तीनों टैबलेट्स अच्छे हैं. असूस 6Z आई वुड रिकमेंड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गिमिकी है जो इसका कैमरा है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं और काफ़ी सारी फॉरम्स पढ़े हैं मैंने इसके कैमरे को लेके. कैमरा अच्छा है लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है वो कुछ टाइम में ख़राब हो सकता है, तो ये अपने रिस्क पे लो. इसको छोड़ के आप वन प्लस की तरफ बाद में आऊँगा, जो अमेजोन पे डील चली हुई है. ब्लैक शार्क 2, अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हो तो ब्लैक शार्क 2 इज वेरी गुड. ओप्पो रेनो 40,000 के बजट में ले सकते हो. ओके तो आ जाते हैं हम आईफोन्स के ऊपर. आईफोन 7, 8, 6 तो मत लो यार, बिल्कुल मत लो. 26,000 रुपए के आजकल पता नहीं क्या हो जाता है. 6 तो बिल्कुल ही कंसिडर मत करो ना. अगर आपने 10R नहीं लेना है और उससे नीचे वाला लेना है तो 7 प्लस लो, 8 प्लस भी निगलेक्ट करो. आईफोन 11, 11 प्रो काफ़ी नए हैं तो उस पर इतनी ज़्यादा कुछ खास डील्स नहीं चली है, बट अगर आपने लेना ही है तो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको SBI कार्ड का प्लस प्रीपेड ट्रांजेक्शन का मतलब 3-4 हज़ार रुपये का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा. ओके तो देयर आर लॉट ऑफ फोन्स इसके नीचे है, A50s, A70s. 21,000 के बजट में आप A50s तो कंसिडर कर सकते हो, पर A70s नहीं, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. लिनोवो K10 नोट नहीं. ओप्पो रेनो 2Z 30,000 के बजट में अच्छा फ़ोन है, अगर आपने वन प्लस नहीं लेना है तो इसको देख सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक ठाक है. सॉफ्टवेयर मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते ओप्पो वीवो के, बट जो महंगे फ़ोन हैं इनके वो काफ़ी अच्छे हैं, तो कंसिडर कर सकते हो रेनो 2 को, नहीं तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो. लिनोवो A6 नोट ना, नोकिया 7.2 ना, ऑनर 8C ना, वीवो V17 प्रो ना, असूस मैक्स M2 ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. अगर आपने रेडमी का और नोकिया का फ़ोन था जो 6-7 हज़ार के अराउंड है, तो उस अगर उनके फ़ोन्स नहीं लेने आप तो ये असूस मैक्स M2 काफ़ी अच्छा फ़ोन है. ऑनर 20i आप डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, 9-1 हज़ार रुपये का अगर आपको मिलता है ये तो. रेडमी नोट 6 प्रो नहीं इस वक्त नहीं, ऑनर 8X नहीं. उसके बाद अफोर्डेबल फ़ोन्स में आपको रेडमी गो मिलता है, मत करो यार. 425 मिल रहा है स्नैपड्रैगन इसमें, बट इट इज़ नॉट वेरी गुड, मतलब अटकने लग जाते हैं ये फ़ोन. मोटो G7 नहीं, माइक्रो मैक्स इन्फिनिटी नहीं, माइक्रो मैक्स N11 नहीं, इन्फिनिक्स नोट 5 नहीं, भारत 5 प्रो बिल्कुल नहीं, जियो नहीं बिल्कुल नहीं, इन्फिनिक्स बिल्कुल नहीं, माइक्रो मैक्स नहीं, माइक्रो मैक्स नहीं, माइक्रो मैक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है. तो ये थी फ्लिपकार्ट के ऊपर डील्स, जो मतलब लेने लायक है फोन्स उनके बारे में बता दिया है. अब लेट्स चेक आउट कि अमेजोन पे हमको कौन कौन से फोन्स मिल रहे हैं और जो जो आपको कंसीडर करने चाहिए. तो उसमें 10% आप बचा रहे थे SBI कार्ड के ऊपर, इसमें 10% बचा रहे हैं आप ICICI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ, अप टू 3500 रुपीज. तो अगर मतलब वही है ना, 20,000 का फ़ोन है तो आपको 2,000 रुपये ऑफ मिल जाएंगे. तो वन प्लस 70 प्रो आपको इस वक्त 54,000 रुपये का मिल रहा है, जिसमें आपको बोनस ऑफर में आपको 10% और ऑफ मिलेगा अपार्ट फ्रॉम ICICI का 10%, तो 20% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा. तो ये अराउंड 50,000 के करीब पहुंच जाएगा, 49,000 के करीब पहुँच. फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास M30S, 14,000 के बजट में बहुत ज़्यादा अच्छा फोन है ये. ये अराउंड आपको 12-13 हज़ार रुपये के करीब मिल जाएगा. और बैटरी देखो यार, इसकी 6,000 mAh की बैटरी है इसकी, लॉट ऑफ बैटरी. उसके बाद सैमसंग M10S नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेटली नहीं लेना है.
चाहे जितने मर्जी लुभावने ऑफर हो इस पर 8,000-7,000 के करीब 6,000-7,000 रुपये के करीब मिलेगा, बट नहीं इसको इसको निगलेक्ट करो आप, प्रोसेसर इतना खास नहीं है इसको। वीवो U10 Mi A3 ले सकते हो अगर ये मिल रहा है जैसे 10,000 रुपये के करीब मिल जाएगा ये, तो हाँ Mi A3 ले सकते हो। ओप्पो रेनो 2F नहीं, ये बिल्कुल कंसिडर मत करो इस वक्त, क्योंकि इसको छोड़ के आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर इसी प्राइस रेंज पे। फॉर एग्जांपल K20 सैमसंग A10 A30 ये तो हो गया, नोकिया 6.2 नहीं इसको कंसिडर मत करो। वन प्लस सेवन आपको अराउंड 27,000 रुपीज का मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। रेडमी 7 नहीं मत लो, क्योंकि इसको छोड़ के आपके पास काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स हैं। नोकिया 5.1 प्लस है जो आपको अराउंड 5,000 के करीब मिल जाएगा, 5-6,000 रुपये भी मिल जाएगा। और इसके अलावा Asus Max M2 है, वो भी काफ़ी अच्छी डील है, तो इसको मत करो। Samsung M30 कर सकते हो, 8,000 रुपये का मिल जाएगा आपको ये, तो या यू कैन बाय। iPhone XR डेफिनेटली कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट में, बहुत ज़्यादा अच्छी डील है इसकी, और ये अराउंड ये 41,000-43,000 रुपये का इतने का मिल जाएगा ये। Galaxy Note 9 डेफिनेटली कंसिडर्ड। रेडमी Y3 7,000 के बच में बहुत अच्छा है, और प्रीपेड ऑर्डर करेंगे आप तो 6,000 रुपये का मिल जाएगा यार। उसके बाद Samsung Galaxy M10 ना, रेडमी 7 7,000-6,000 रुपये का फ़ोन, ठीक है 632 प्रोसेसर है इसमें, बढ़िया है, ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है ये। M22 ना, रियलमी U1 नहीं, LG W30 नहीं, Honor 20i नहीं, Honor 8X नहीं, Nokia 6.1 प्लस यस, Vivo Y91 नहीं, Oppo 5A5S नहीं, Oppo A7 नहीं, Honor 8C ना, Coolpad Cool 5 ना, Honor 9N इस वक्त नहीं, Samsung A20 नहीं, Redmi 6A डेफिनेटली नहीं। उसके बाद आता है Poco F1 डेफिनेटली, Vivo V15 Pro नहीं, 22,000 का 20,000 का बहुत हो जाता है यार। Oppo A5 2020 ना, Samsung Galaxy M30 12,000-10,000 रुपये का, यार 2,000 रुपये और खर्च कर लूँगा, M30 ऐसा जाएगा। iPhone 6S डेफिनेटली नहीं, Y9 Prime ना, Vivo V15 नहीं, Oppo A9 ना, Samsung A50S नहीं, K20 Pro ले लो, K20 ले लो इसकी जगह, Huawei P30 Lite ना, Vivo Y15 ना, OnePlus 7 ये तो मैंने बोल दिया कि हाँ जी बिल्कुल, Galaxy Note 10 Plus यस डेफिनेटली यस। तो ये थी हमारी सारी डील्स, इन ईच कैटेगरी देर इज सेल, और ICICI का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से जुगाड़ करो यार, और प्लस SBI का क्रेडिट कार्ड करो अगर आपने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है। और लेटेस्ट डील जानने के लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट लॉगिन करना बनता है यार, क्योंकि पैसे लगाए हैं उस ऐप पे, बट उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और छोटी से छोटी डील है ना, ये तो स्मार्टफोन की डील होगी ना, बाकी जितनी भी है ना, लैपटॉप्स, कैमरा, एक्सेसरीज, लाइटिंग, प्लस एक और चीज़ है वहाँ पे आप सर्च एंड कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई स्मार्टफोन लेना है तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, वो फ्लिपकार्ट पे बता देगा आपको, अमेजोन पे बता देगा, प्लस पेटीएम पे, टाटा क्लिक पे, इन सब पे आपको कंपेयर करके बता देगा कि सबसे कम कहाँ मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं ना यार, जैसे कि मैंने अभी कैमरा लेना था कैनन 200D, तो वो फ्लिपकार्ट पे 48,000 का बता रहा था, अमेजोन पे भी 47,000 का बता रहा था, और मैंने पेटीएम मैं सर्च किया तो वो 39,000 रुपये का, और 37,500 का मिला बल्कि मुझे, तो इट्स बिग 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 डील, यू नो 10,000 रुपये का बेनिफिट। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, अगर नहीं लगी है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ना, जो लाल बटन है, ये सारी डील्स भी आती रहेगी, प्लस रिव्यूज़ भी आते रहेंगे साथ साथ। ओके मतलब किसी और वीडियो में, टिल देन This was Himanshu from CreatorShed.